बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम गुजराती समाचार ना साथे आमिर होकला तमारी सेवा मा हाजिर छे। प्रसारित छे गुजराती हेडलाइंस। अपोजिशन जमातोना इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ना सरबरा मौलाना फजलुर रहमाने मुस्लिम लीग नून ना रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी थी राबतो करीने इंतखाबी इस्लाहात कमेटी थी मुतालिक खदशात नो इजहार कर्यो छे। मौलाना फजलुर रहमान नु कहेवु छे के जमीयत उलमाए इस्लाम कोई इंतखाबी इस्लाहात कमेटी नो हिस्सो नहीं बने। मौलाना फजलुर रहमान नु कहेवु छे के JUI कोई प्लेटफॉर्म पर इमरान खान सरकार ना साथे नहीं बैसे। PDM ना हिस्सो बनवा पर नून लीग ने कोई भी मामला पर एतमाद में लेव पड़से। ख्याल रहे के सरकार अने अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी बनावानो निर्णय कर्यो छे। कौमी असेंबली सेक्रेटरियट ना एलामिया में कीधु छे के पार्लिमानी कमेटी बेवे एवानों ना अराकीन पर मुश्तमिल थशे। कमेटी बनावा माटे सेनेट अने कौमी असेंबली में अलहदा अलहदा तहारीक पेश करवामां आवशे, जारे के स्पीकर कौमी असेंबली पार्लिमानी रहनुमाओं थी मुशावरत थी कमेटी बनावशे। एलामिया ना अनुसार कमेटी इंतखाबी इस्लाहात नो जायजो लईने सिफारिशात पेश करशे। बरतानवी वड़ा प्रधान बोरिस जॉनसने अक्वामे मुत्तहिदानी जनरल असेंबली ना इजलास मा वड़ा प्रधान इमरान खान नी तारीफों ना पुल बांधी दीधा। अक्वामे मुत्तहिदानी जनरल असेंबली थी खिताब ना दौरान बरतानवी वड़ा प्रधान बोरिस जॉनसने माहौलियाती आलोदगी अने दरख्तों नी अहमियत पर भी बात करी। एमनू कहेवुं हतुं के दरख्त लगावाना मौजू पर कहेवा चाहूं छू के अमे बरतानिया मा लाखों दरख्त लगाव्या छे। हूँ कहवा माँगू छू के हूँ एनी दावत आपोस के पाकिस्तान ना वड़ा प्रधान इमरान खान नी मिसाल ने मशले राह बनावे। इमरान खान ने केवल पाकिस्तान में 10 बिलियन दरख्त लगाड़वानो अहद कर्यो छे। हूँ समझोस के तरक्की याफ्ता दुनिया में आ बहु जरूरी छे के आ रास्ता पर चलवा माटे तरक्की पजीर ममालिक नी मदद करवू पोतानी जिम्मेदारी समझे। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल थी दरअंदाजी ना भारतीय आरोपों नी सख्ती थी तरदीद करी छे। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार है हफ्तावार ब्रीफिंग आलतो बतायू के वड़ा प्रधान इमरान खान काले अक्वामे मुत्तहिदानी जनरल असेंबली थी वर्चुअल खिताब करसे। वजीर आजम ना खिताब में कश्मीर बुनियादी नुक्तो हसे, जारे के वजीर खारजा आज अक्वामे मुत्तहिदानी आला क्यादत थी मुलाकातों करसे। वजीर खारजा ने तनाज़े कश्मीर अने भारत में इंसानी हुकूक नी संगीन खिलाफ फर्जियों मामलो उठाव्यो छे। एमने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक नी पामाली पर दस्तावेजाज भी सुपर करी छे। दफ्तर खारजा ए कीधु छे के भारत जाली मुकाबलो नसलकशी अने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन्स ना एवा आरोप लगाड़े छे। आलमी बिरादरी भारत ना जारहाना अने पुरतशद्दुद अजायम थी हमेशा खबरदार रहे। एमने कीधु छे के भारतीय वजीर आजम पर न्यूयॉर्क नी अदालत में मुकदमो अकलियतों ना साथ सुलूक नो अक्कास छे। भारत मुसलमानों ईसाईयों सिख बधाई अकलियतों ना साथे नारवा सुलूक करी रह्यो छे। आलमी बिरादरी अकलियतों ने खिलाफ भारतीय मजालिम पर संजीदा मौकफ रखे छे। तर्जुमान नु कहेवुं छे के अफगानिस्तान में जमीनी हकायक तब्दील थई रह्या छे अने इंसानी अलमियों जन्म ले रह्यो छे। अफगानिस्तान में देरपा कयाम अमन अने इस्तेकाम पाकिस्तान समेत बधाई देशों मकसद छे। आलमी बिरादरी ने अफगानिस्तान नु हर मुमकिन साथ आपवो पड़शे अने साथ लईने चालवू पड़शे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी छे। भारतीय फौजे जिला बारामूला में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों ने शहीद कर दीदो। कश्मीर मीडिया सर्विस ने अनुसार उनती कबल जिला शोपिया में भी कश्मीरी नौजवान ने शहीद करवामां आव्यो। कश्मीर मीडिया सर्विस नु कहेवुं छे के बारामूला में कश्मीरी नौजवानों ने जाली मुकाबलों दौरान शहीद करवामां आव्यो। काबिज भारतीय फौजे 18 सितंबर थी बारामूला इलाका अड़ी नो मुहासरो करी राख्यो छे। साबिक भारतीय एजेंटे पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी रॉ नो नेटवर्क बेनकाब करी दीधो अने इंकशाफ कर्यो छे के रॉए पाकिस्तान में बम धमाका करवा माटे मोकल्यो हतो। अबेल भी पाकिस्तान में सरगर्मियों में मुलव्वस छे। तफसीलात ना अनुसार भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ नो पाकिस्तान में नेटवर्क साबिक एजेंटे बेनकाब करी दीधो। भारतीय चैनल पर रॉ ना एक एजेंट डेनियल ने इंटरव्यू में एतराफ कर्यो छे कि मैं पाकिस्तान में रॉ की तरफ थी जासूसी करी अने पकड़ाई गयो। डेनियले इंकशाफ कर्यो छे कि रॉ पाकिस्तान में बम धमाका करवा माटे मोकल्यो हतो। जासूसी माटे लोग सिर्फ भारत मोकले छे, पाकिस्तान एवुं नथी करतो। रॉ एजेंटे बतावी कि भारत माटे जासूसी पर पाकिस्तान में 4 साल कैद काटी छे। पाकिस्तानी कैद में भारतीय बाशिंदा राजू भी राणा एजेंट छे। डेनियल नु कहेवुं हतुं के वतन वापसी पर भारतीय सरकारे 15,000 आपीने फारिग करी दीधो। रॉ अब्याल भी पाकिस्तान में सरगर्मियों मुलव्वस छे। पाकिस्तान विमेन्स क्रिकेट टीम नी खिलाड़ियों नी चीफ सिलेक्टर ना साथे मुलाकात मैदाने जंग बनी गई।
સિદરા નવાઝે ચીફ સિલેક્ટરથી કપ્તાનના ખિલાફ શિકવો કર્યો કે કપ્તાન બે ત્રણ ખેલાડીઓ સિવા કોઈથી વાત નથી કરતી. નિદાડાનું કહેવું છે કે જુનુબી આફ્રિકાના ખિલાફ 90 સેન્ચુરી સ્કોર કરી હતી પણ કપ્તાનને પસંદ ના આવી. કપ્તાને ખેલાડીઓને દાદ આપવાથી મના કર્યું. જરાયાએ બતાવ્યું છે કે વસીમ ખાને પાકિસ્તાન ટીમની કારકિર્દી પર માયુસીનો ઇઝહાર કર્યો હતો. વાઝરે કે પાકિસ્તાન વિમેન્સ ક્રિકેટ ટીમ વેસ્ટ ઇન્ડિઝને T20 સિરીઝમાં શિકસ્ત આપી હતી. કોમી ટીમ સિરીઝમાં સિર્ફ એક મેચ જ જીતી શકી. જુનુબી આફ્રિકાએ બી વન ડે અને T20 સિરીઝમાં પાકિસ્તાન વિમેન્સ ટીમને વ્હાઇટ વોશ કર્યો હતો. મહેકમાએ મોસમિયાતે કરાચીમાં મઝીદ 3 દિવસ બારિશની પેશનગોઈ કરી દીધી. ચીફ મેટ્રોલોજીસ્ટનું કહેવું છે કે હલકી અને તેજ બારિશનો સિલસિલો 25 સપ્ટેમ્બર તક જારી રહેશે. કરાચીમાં જુમેરાતની દુપહેર તકરીબન એક ઘંટા મોસલાધાર બારિશ થઈ, જેનાથી શહેરની સડકો તાલાબનો મંજર પેશ કરવા લાગ્યો. નદી, નાલા અને ગટર ઉબલી પડ્યા. સડકો પર ઘૂંટનો ઘૂંટનો પાણી જમા છે. મોટરસાયકલ સવારોના સાથે ગાડીવાળોને બી ગુજરવામાં શદીદ મુશ્કેલીઓનો સામનો છે. મહેકમે મોસમિયાતના અનુસાર બધાથી વધારે વરસાદ સુરજાની ટાઉનમાં 70 મિલીલીટર રેકોર્ડ કરવામાં આવી અને PAF બેઝ પર 36 મિલીલીટર વરસાદ થઈ. કરાચીમાં શદીદ બારિશે એક વારી ફરી નિઝામે જિંદગી ધરમબરમ કરી દીધું. શારાએ ફેસલ અને મુખ્તલિફ સડકો પર જગા જગા પાણી ઉભું છે. ટ્રાફિકની રવાની મુતાસિર થઈ રહી છે. મેટ્રોપોલ સદર ઝેનમ માર્કેટ શારાએ ફેસલ અને અતરાફના ઇલાકોમાં ગાડીઓની લંબી કતારો લાગી ગઈ. મિનિટોનો સફર ઘંટોમાં બદલી ગયો. શહેરીઓને પરેશાનીનો સામનો છે. ચીફ મેટ્રોલોજીસ્ટ સરદાર સરફરાઝનું કહેવું છે કે કરાચીમાં મોનસૂનના નવા સ્પેલમાં 23-25 સપ્ટેમ્બર તક બારિશની પેશનગોઈ છે, જેનો આરંભ થઈ ગયો છે. શહેરે કાયદમાં વકફા વકફાથી કંઈ હલકી અને કંઈ તેજ બારિશનો સિલસિલો 25 સપ્ટેમ્બર તક જારી રહેશે. એમણે બતાવ્યું કે નવા સ્પેલમાં સિંધના દીગર ઇઝલા, થરપારકર, બદીન અને મીરપુરમાં બી ગુજશતા રોજ બારિશ થઈ હતી. નોર્થ કરાચીમાં ગટર અને નાલા ઉબલી પડ્યા. સરદાર સરફરાઝનું કહેવું છે કે કંઈ વકફવકારથી મોસલાધાર બારિશ બી થઈ શકે છે. બારિશના બાઈસ કરાચીનું મોસમ ખુશગવાર થઈ ગયો છે. ગરમીની શિદ્દતમાં કમી આવી ગઈ છે. એમણે બતાવ્યું છે કે દિનના ઇબ્તદાઈ હિસ્સામાં શહેરમાં ગરમી વધશે, તાહમ બપોરિયા યા એના બાદ અચ્છી બારિશ થવાની તવક્કો છે.